दिवाली से पहले एक धनतेरस आता है, इसका क्या मोटिव है? अच्छा, धनतेरस, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। धनतेरस से थोड़ा गहराई में जाओ, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ समझो। मतलब लोग बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन, इसका मतलब बताइए कि ये क्यों खरीदते हैं और अपने समाज सबसे ज़्यादा खरीदता है? हाँ, असल में जो दिवाली एक त्यौहार है, ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक त्यौहार नहीं है, मेरी नज़र में एक व्यापारिक त्यौहार है। धार्मिक त्यौहार ना होने की बजाय व्यापारिक त्यौहार मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका नाम समझो धन तेरस, मेरस नहीं, धन तेरस, धन तेरा हो जाएगा। तो किसी भी सूरत में भले ही झाड़ू खरीदनी हो, व्यापारी के घर में पैसा जाना चाहिए। तो जितने भी हम लोग थे, क्योंकि हम तो मार्केट है ना बहुत बड़ी, शगुन होता है कुछ खरीदना। हाँ, हम लोगों को जो मार्केट है ना ये, तो हम लोगों के दिमाग में ऐसा बैठाया गया कि अगर आपने कुछ खरीदा तो होगा क्या, दिवाली के दिन तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी। अच्छा, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, लक्ष्मी कैसे आ जाएगी? क्योंकि दिवाली है उजाले का त्यौहार और लक्ष्मी का जो वाहन है वो है उल्लू, और उल्लू को उजाले में दिखता ही नहीं, तो लक्ष्मी आएगी कैसे? ज़्यादातर दिवाली में लोग अपनी तिजोरी खोल देते हैं कि लक्ष्मी प्रवेश करेगी। हाँ, ये जो तिजोरियाँ खोली जाती हैं वो इसलिए खोली जाती हैं ताकि लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी चंद आ जाए और वो उन तिजोरियों में जो रखा हुआ जो धन है उसका इस्तेमाल लोग लक्ष्मी चंद कर सकें। तो ये एक केवल अवधारणा, ऐसा बिलीफ सिस्टम बना के रखा ताकि लोग पैसा खर्च करें और एक निर्धारित वर्ग जिसे वैश्य वर्ग कहते हैं, बनिए है ना, वो बनेंगे, धन हमारा लेकिन हो जाएगा तेरस, यानी कि उनका धन हो जाएगा। तो वो बनिए बनते चले जा रहे हैं, और यही तो परिणाम रहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज ये बनियों के हाथ में है, बड़ी बड़ी दुकानें बनियों के हाथ में हैं। आप दिल्ली के बड़े बड़े बाज़ारों में चले जाएँ, गाज़ियाबाद के बाज़ारों में चले जाएँ, चंडीगढ़ चले जाएँ, गुड़गांव चले जाएँ, बॉम्बे चले जाएँ, कोलकाता चले जाएँ, आप पता चलेगा कि 80% मार्केट पर आज भी कब्ज़ा बनियों का है। वो इसलिए है क्योंकि धन तेरस, वो तो एक दिन बना दिया शगुन, ये कह दिया कि अगर नहीं खरीदोगे तो अवशगुन हो जाएगा, ताकि भले ही छोटी मात्रा में क्यों ना हो, ताकि पैसा वहाँ जाए, उनकी जेबें भरनी।